हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन मतलब यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है तो आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज सी क्यूज़ देखेंगे आ, बहुत मज़ा आएगा ठीक है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके मैं इसको आ, पढ़ाने वाली हूँ तो आपका जो भी आने वाले एग्जाम है या वो ई है एस है एस एस वगैरह बी जो भी आने वाले एग्जाम्स है यू तो उन सब में मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज तो इसलिए आप लोग जो है मैं प्लेलिस्ट इसका बना दूंगी और कमेंट में लिंक दे दिया करूंगी तो आप लोग देख लेना जाकर तो अभी हम लोग आ, स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन इसके एमसीक्यूज को देखना ओके okay, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैच करना है सूची वन को सूची टू से मैच करना है ठीक है सूची जो वन है वो है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ और इसका स्थापना वर्ष तो जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ थी इसका स्थापना वर्ष इनको मैच करना है ठीक है तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी चौदह में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका हुआ था सोलह में डच ईस्ट इंडिया कंपनी सोलह में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये सोलह में सिक्सटीन में ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए का वन बी का टू सी का थ्री और डी का फोर यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा ये राइट हो जाएगा ठीक है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी चौदह में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 सिक्सटी ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं ये भी मैच करना है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां और उनका जो मुख्यालय था उसको मैच करना है तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका मुख्यालय कहाँ पे था ठीक है तो इसका जो मुख्यालय था ये गोवा में था पुर्तगालियों के कंपनी का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था वो गोवा में था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका कहाँ पे था कोलकाता में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय निगापट्टनम में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडिचेरी में था ठीक है तो ये ए का वन बी का टू सी का थ्री और डी का फोर यहाँ से ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा ठीक है तो आपको ध्यान में रखना जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना वर्ष क्या थी चौदह सौ अंठानवे थी मुख्यालय इनका गोवा में था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना स्थापना वर्ष सोलह था और इनका मुख्यालय कोलकाता में था डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना वर्ष सोलह और मुख्यालय नेगापट्टनम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना वर्ष सिक्सटीन और इसका मुख्यालय कहाँ पे था पांडीचेरी में था ओके नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल में आगमन हुआ था तो मध्यकाल में आगमन हुआ था इनको क्रम में बताना है कब मतलब कौन आए ऐसे इनका क्रम बताना है ठीक है किस किस यूरोपीय कंपनी का मध्यकाल में आगमन हुआ था सॉरी ये आगमन श्री बताना है कर्म वाला भी एक क्वेश्चन है तो वो आ गया आएगा तो कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां थी जिनका मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था तो पुर्तगालियों का तो हुआ था ब्रिटिशों का भी हुआ था डच का भी हुआ था फ्रेंच का भी हुआ था डेनिस का भी हुआ था फ्लेंडर्स और स्वीडिश का भी हुआ था ये लोग ज्यादा टाइम रहे नहीं थे बट इन लोगों का भी हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये जितनी भी यूरोपीय कंपनियां हैं ये मध्यकाल में भारत में इनका आगमन हुआ था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग वो पुर्तगाली कंपनी कौन था जिसने गोवा पे अधिकार कर लिया था वो पुर्तगाली कौन था सॉरी वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा के ऊपर जो है अधिकार किया था तो अल्मेडा अल्बुकर्क वास्को डिगामा नोविली तो इसमें गोवा के ऊपर जो अधिकार किया था ये आप लोगों ने पढ़ा होगा काफी ये और बहुत ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है ठीक है जो अल्बुकर्क था ना अल्बुकर्क ये इसने गोवा पे अधिकार किया था इसने 1510 में बीजापुर के शासक थे आदिल शाह उनसे गोवा को छीना था और गोवा पे अधिकार किया था और इसी वजह से जो है अल्बुकर्क को वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का ठीक है क्योंकि इसी ने पहली बार जो है वो गोवा के ऊपर अधिकार किया था 1510 में उससे बीजापुर का जो शासक था उससे छीना था आदिल शाह से छीना था गोवा को ठीक है तो अल्बुकर्क इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क ठीक है नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल ऑप्शन है क्लाइव सर्जन सॉरे वेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मेकिजी ऑफ हेस्टिंग्स तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसका पहला जो गवर्नर जनरल था वो वॉरन हेस्टिंग्स था नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और उसको प्रभावित किया था तो कौन सा वो पहला पहला जो व्याप मतलब यूरोपीय कंपनी था जिसने फैलाया था ब्रिटिश फ्रेंच डच और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे पुर्तगाली तो आपको पता है सबसे पहले पुर्तगाली ही आया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे नेक्स्ट चौदह सौ में वास्को डिगामा भारत में कहाँ पे उतरा था तो वास्को डिगामा जो है ये सबसे पहले आए थे ये कब आए थे चौदह में आए थे और ये कहाँ पे उतरे थे भारत में तो ये भारत में उतरे थे कालीकट बंदरगाह पे कालीकट नाम का बंदरगाह था जहां पे जमोरीन वहां का एक शासक था जमोरीन जिसने इनका स्वागत किया था है ना तो एग्जैक्ट डेट था सत्रह मई सत्रह मई चौदह को वास्को डिगामा जो है वो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे जहां पे इनका स्वागत किया गया था जमोरीन के द्वारा ओके नेक्स्ट है वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे तो पुर्तगाली थे वास्को डिगामा नेक्स्ट है वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था तो जहांगीर के दरबार में कौन सा अंग्रेज आया था टॉमस रो राल्टा बीटा सर जॉन्स जॉन्ड और सर जॉन सोर तो जहांगीर के दरबार में जो आए थे वो थे सर टॉमस रो सर टॉमस रो जो है ये सोलह सौ सो, में जहांगीर के दरबार में आए थे और इन्होंने भेंट करा था उनसे नेक्स्ट है गोवा दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया गोवा दमन और दीव इनका उपनिवेशीकरण किसने किया था तो इनका उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था गोवा का दमन का और दीव का यह पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था 1510 में गोवा को छीना था पुर्तगालियों ने ठीक है अलबूकर्क ने है ना छीना था तो पुर्तगालियों ने छीना था पंद्रह में दीव का छीना था इन लोगों ने और पंद्रह स में थर्टी नाइन में दमन पे अधिकार किया था तो इन तीनों पे गोवा दमन और दीव इनको इन पे अधिकार पुर्तगालियों ने करा था नेक्स्ट अल्बू कर्क ने गोवा को 1510 सो ईस्वी में किससे छीना था तो ये मैंने बताया था आपको कि गोवा पे अधिकार किया गया था 1510 में अल्बू कर्ग के द्वारा इसने बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाह उनसे गोवा को छीना था तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा और इसीलिए पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी अल्बूकर्क को माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी तो समुद्री जो मार्ग है इसकी खोज भारत तक किसने की थी पुर्तगालियों ने की थी पास्को डिगवा के द्वारा किया गया था नेक्स्ट ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी अकबर से जहांगीर से शाहजहां से औरंगजेब से देखो गाइज यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी अगर होता है अगर आप लोग पहली पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब हम पहली बार पढ़ते हैं चीजों को कि ब्रिटिशों का जो था पहला फैक्ट्री वो मसूलीपट्टनम में था ठीक है मसूलीपट्टनम में इन्होंने लगाया था मतलब ब्रिटिशों का पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगा था लेकिन ये अस्थाई था ठीक है अस्थाई था और अस्थाई जो पहला फैक्ट्री था वो सूरत में लगा था तो अगर क्वेश्चन में ना ऐसे पूछे कि अस्थाई फैक्ट्री या अस्थाई फैक्ट्री तो उस हिसाब से ऑप्शन में जाना ठीक है तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि कहीं बार हो जाता हो जा होता है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन में रहता है कि ब्रिटिशों का जो है पहला फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुआ था वहां पे ऑप्शन में सूरत और मसूलीपट्टनम भी रहते हैं तब तो मसूलीप्टनम दे, देना लेकिन अगर क्वेश्चन में मैंसन किया गया अस्थायी या अस्थायी फिर आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से जाना ठीक है तो ओके okay, तो यहाँ पे सूरत में इनका पहला अस्थाई फैक्ट्री स्थापित हुआ था ये इसकी अनुमति किससे प्राप्त करी गई थी तो इसकी अनुमति जहांगीर ने दी थी है ना 1612 में और 1613 में इन लोगों ने सूरत में अपना अस्थाई जो पहला अस्थाई फैक्ट्री था वो स्थापित किया था नेक्स्ट है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी तो देखो यहाँ पे म, मैंने बताया था कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की थी वास्को डिगामा ने की थी ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा देखो ऑप्शन सी वास्को डिगामा नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच जो संघर्ष हुआ था इसकी समाप्ति किस संधि से हुई थी तो तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे ना पहला दूसरा और तीसरा तो तीसरा वाला जो युद्ध था इसकी समाप्ति किस संधि से हुई थी तो इसको याद रखने के लिए एक मतलब थोड़ा सा ट्रिक है कि ए पा पे पहला जो जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था इसका एला सापे के संधि से हुआ था अंत और पा का मतलब हो गया पांडी पांडिचेरी की संधि और पे का मतलब हो गया पेरिस ठीक है तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी पेरिस की संधि से हुई थी ओके तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ कब था सिक्सटी सेवनटीन uh, से सेवनटीन सिक्सटी से सत्रह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था तो पुर्तगाली जो व्यापारी कंपनियां भारत में आई थी इनका उद्देश्य क्या था ये किस उद्देश्य से आई थी तो इनका उद्देश्य था काली मिर्च वो अन्य मसाले जितने थे इनके व्यापार पे एक प्राप्त करना मसालों के ऊपर इनका एकाधिकार हो इसके लिए ये लोग भारत में आए थे नेक्स्ट है जब 17 मई चौदह में वास्को डिगामा कालीकट में उतरे थे तो किसने उनका स्वागत किया था तो मैंने आपको बताया था कालीकट के राजा थे जमोडिन कालीकट को कोजी भी बोलते हैं जमोडिन के द्वारा वास्को डिगामा का स्वागत किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की थी तो पुर्तगालियों का जो सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया था वो कहाँ पे किया गया था तो पुर्तगालियों का सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ था कोचिन में ठीक है कोचिन में यह स्थापित किया गया था 1503 में नेक्स्ट है 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषा अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी कर दिया था तो 1717 सौ सत्रह यहाँ पे एग्जैक्ट डेट भी दे दिया है तो इससे आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि 1717 सौ सत्रह किसका शासनकाल था फर्रुख सियर का तो फर्रुख सियर वो शासक था जिसने सत्रह सत्रह में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है विशेषाधिकार प्रदान कर दिया था जिसको सुनहरा फरमान भी बोला जाता है तो ये फर्रुख सियर हो जाएगा इसका आंसर नेक्स्ट ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में किसने की थी तो बेसिन की संधि पेशवाओं और ब्रिटिशों के साथ हुई थी तो ये कौन से पेशवा थे माधवराव बालाजी विश्वनाथ बाजीराव द्वितीय या बाजीराव तृतीय सॉरी बाजीराव प्रथम या द्वितीय ठीक है तो बेसिन का जो संधि हुआ था पेसिन का संधि ब्रिटिशों और किसके साथ हुआ था पेशवाओं के साथ हुआ था तो कौन से पेशवा थे ये ब्रिटिश और बाजीराव द्वितीय थे बाजीराव द्वितीय के बीच ये संधि हुआ था 1802 में बेसिन की संधि नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी बेंटी कार्नवालिस हेस्टिंग्स या फिर विलेजली तो वॉरिन हेस्टिंग्स जो है ये इनके उत्तराधिकारी थे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी तो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी ये फ्रांसिसोदा अल्मायदा के द्वारा अपनाया गया था नेक्स्ट है किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो वास्तविक संस्थापक मैंने आपको बताया कि अल्बू को माना जाता है इसी क्योंकि इसने गोवा पे अधिकार किया था गोवा को छीना था तो इसलिए पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है अल्बू को माना जाता है नेक्स्ट है अल्बू ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना तो देखो सबको पता है कि पंद्रह ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह है ना आदिल शाह जिनसे अबूकर्क ने गोवा को छीना था लेकिन यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन में अगर हो सकता है आपको ऐसे दे दे यूसुफ आदिल शाह अली आदिल शाह मोहम्मद आदिल शाह तो आप फिर थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हो आप अगर आपने सिर्फ आदिल शाह आदिल शाह याद रखा है तो फिर आप एग्जाम में क्या होता है समझ में नहीं आता कौन सा आदिल शाह था तो इसका जो पूरा नाम था इस आदिल शाह का वो क्या था यूसुफ़ आदिल शाह ठीक है यूसुफ आदिल शाह से अलबूकर्क ने गोवा को छीना था नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ पुर्तगाली उपनिवेश पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर भारत में बना था वो अल्मीदा बना था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है उसको बनाया था और ये 1505 में बना था ठीक है गवर्नर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को स्वेली के स्थान पर हराया था तो पुर्तगालियों को स्वेली के स्थान पर किसने हराया था यह हराया था थॉमस बेस्ट ने थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सोहैली के स्थान पर हराया था सोलह में नेक्स्ट निम्नलिखित में से प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था इसका तत्कालिक कारण क्या था ठीक है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग कर्नाटक की राजगद्दी का मामला या फिर अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण देखो तो जो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था इसका तत्कालिक कारण पूछ रहा है ठीक है इसका मेन जो कारण था वो तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के कारण वो चलता आ रहा था लेकिन जो तत्कालिक कारण हुआ था जिसकी वजह से जंग छिड़ गई थी वो था अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया था जिसकी वजह से पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था ठीक है कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था तो इन दोनों के बीच वैसे ही लड़ाई हो रही थी पहले से चल रहा था भेदभाव मतलब वो चल रहा था ऑस्ट्रिया की राजगंदी के लिए लेकिन जो तत्कालिक कारण वो पूछ रहा है ना तत्कालिक कारण था अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाज़ पर अधिग्रहण कर लिया था जो कि तत्कालिक कारण बन गया था पहले कर्नाटक युद्ध का ठीक है पहला कर्नाटक युद्ध नेक्स्ट आ जाते हैं किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि से विलियम हॉकिन्स को जो है आ, सम्मानित किया गया था जेम्स प्रथम जो थे उनका पत्र लेकर 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे आगरा में भेंट किया था इन्होंने और वहीं पे मतलब जहांगीर ने इनको फिरंगी खान या इंग्लिस खान की उपाधि दी थी ठीक है खान की उपाधि दी थी सोलह नेक्स्ट उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहां से प्राप्त होता था ये बिहार से प्राप्त होता था नेक्स्ट है भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी तो अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पर स्थापित हुई थी पटना में लेकिन वो अस्थाई थी और अस्थाई पहली फैक्ट्री 1612 नहीं मतलब 1612 में इनको ऑर्डर मिल गया था तेरह में एक्चुअली स्थापित हुआ था बट कोई नहीं अंग्रेजों ने इनकी जो पहली फैक्ट्री थी ये सूरत में स्थापित हुई थी नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला था शाह आलम द्वितीय कब किया था ये 12 अगस्त सत्रह ईस्वी को किया गया था नेक्स्ट है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों ने स्थापित की थी बंगाल की बांदेल चिंसुरा हुगली श्रीरामपुर इन फैक्ट्रियों में पुर्तगालियों के द्वारा कौन सा स्थापित किया गया था तो हुगली हुगली जो है ये पुर्तगालियों ने स्थापित किया था नेक्स्ट क्वेश्चन एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर भारत का बड़ा नगर मतलब एक द्वीप के ऊपर निर्मित है ये कौन सा नगर है पंजी रामेशम पोर्ट ब्लेयर मुंबई तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई एक द्वीप पे निर्मित भारत का बड़ा नगर क्या है मुंबई सालसेट द्वीप है सालसेट नाम है उस द्वीप का इसके ऊपर मुंबई शहर जो है ये निर्मित है नेक्स्ट है भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसको जाता है तंबाकू का जो प्रचलन है ये भारत में किसने लाया था ये पुर्तगालियों ने लाया था ठीक है अकबर के काल में लाया गया था किंतु भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत जहांगीर के शासनकाल से हुई थी लाया था अकबर के काल में ही लेकिन खेती जो मेन शुरू हो गया था वो जहांगीर के शासनकाल से हो गया था तो तम्बाकू के प्रचलन का श्रेय ये पुर्तगालियों को जाता है ओके okay. नेक्स्ट आ जाते हैं सूची वन को सूची टू से सुमिलित करना इस्तादोद इंडिया कार्टेज इनक्विशियन पोटो ग्रांडे ठीक है तो ये सब क्या है इसको मतलब हमें सुमिलित करना है तो देखो इस्तादो द इंडिया ये पुर्तगालियों के सामुद्रिक जो साम्राज्य है इसका नाम था इस्तादो द इंडिया क्या था पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था तो एक वन हो जाएगा कार्टेज क्या था कार्टेज था यहाँ पे पुर्तगालियों के द्वारा जारी किया जाने वाला पत्र या फिर आज्ञा पत्र उसको कार्टेज बोलते थे इनकी विजीशन इनकी विजीशन जो है पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था इसको बोला जाता था पोटोग्रांडे पुर्तगालियों द्वारा चीटगाँव को दी गई संज्ञा तो ए का वन है बी का टू है सी का थ्री है डी का फोर है ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए राइट हो जाएगा ठीक है इस्तादो इंडिया क्या था सम, इनके समुदायिक साम्राज्य का नाम था कार्टेज इनके द्वारा जो आज्ञा पत्र दिया जाता था उसको बोलते थे इनकी विजीशन बोलते थे इनका ध्या धार्मिक न्यायाधिकरण था पोटोग्रांडे चीटगांव को दी गई संज्ञा इसको बोलते थे ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही काला अनुक्रम करना है ठीक है अठारहवीं सदी में ये लड़ाइयाँ हुई थी वांडीवास बक्सर का युद्ध अंबर युद्ध प्लासी युद्ध तो इन सब का काला अनुक्रम हमें बताना है कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ है ना तो इनको काला अनुक्रम में हमें सजाना है तो देखो अम्बूर का युद्ध जो अम्बूर का युद्ध है ना ये हुआ था सत्रह में प्लासी का युद्ध सबको पता है सत्रह में हुआ था फेमस युद्ध है वाणीवास का युद्ध हुआ था सत्रह में और बक्सर का युद्ध ये भी फेमस है सत्रह में हुआ था ठीक है तो यहाँ से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसको कालानुक्रम में सजाना था सबसे पहले अंबूर का युद्ध हुआ था सत्रह में प्लासी का सत्रह में वांडीवास का सत्रह में और बक्सर का सत्रह में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संबंध में जो गलत कथन है जो सही कथन नहीं है वो हमें बताना है तो पहला कथन है पुर्तगालियों ने चौदह में गोवा पे कब्जा किया था तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार अभी देखा मैं बार बार डिस्कस भी कर रही हूँ कि गोवा पे जो है 1510 सौ ईस्वी में कब्जा किया गया था तो यहाँ पे चौदह दिया गया ये तो गलत हो गया तो गलत कथन ही हमें बताना था तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि पहला ऑप्शन ही गलत है ठीक है नेक्स्ट सारे ऑप्शन है ये सारे सही हैं अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना देखो मसूली मसूलीपट्टनम में लगाया था लेकिन ये अस्थायी था, था। पूर्वी भारत में अंग्रेजों की कंपनी ने तो, सोलह सौ में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था ये भी सही है डुबले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने सत्रह में मद्रास पर कब्जा किया था ये भी सही है तो गलत कथन हमारा ऑप्शन ए था ठीक है नेक्स्ट है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पे लगाया था फ्रांसीसियों ने जो अपना सबसे पहला कारखाना लगाया था ये भी याद रखना कि सूरत में लगाया था इन लोगों ने सोलह ईस्वी में ठीक है अंग्रेजों का जो पहला स्थायी कारखाना था वो भी पहला सूरत में ही था और फ्रांसीसियों का भी सूरत में ही था सोलह में नेक्स्ट है भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी तो भारत की पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस इसकी स्थापना करी गई थी पुर्तगालियों के द्वारा नेक्स्ट यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे केवल भंडारगिरी केवल उत्पादन केंद्र भंडारगिरी और उत्पादन केंद्र दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के जो कारखाने होते थे ना वो भंडारगिरी भी होते थे और उत्पादन केंद्र दोनों ही होते थे साथ में ठीक है नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पे भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में मिलाया था तो पुर्तगालियों ने गोवा दमन और दीव तीनों को छीना था है ना तीनों पे कब्जा किया था पुर्तगालियों ने तो इसको भारत ने कब अपने गणराज्य में मिलाया था तो भारत सरकार के द्वारा इसको नाइनटीन में अपने साम्राज्य में मिलाया गया नेक्स्ट है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में पंद्रह सौ में किसने स्थापित की थी तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में पंद्रह सौ में स्थापित हुई थी तो ये किसने की थी स्थापित पेड्रो अलवारेज कैब्रल पेड्रो अलवारेज कैब्रल ठीक है नेक्स्ट है भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय है ये फ्रांसीसियों को जाता है नेक्स्ट है डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल रहे थे, थे अंग्रेज अंग्रेजों ने जो है सेवनटीन में वेदरा के युद्ध में इनको हराया था और यहाँ से भगा दिया था ओके वेदरा नेक्स्ट वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई तो कौन सा युद्ध था ये वेदरा का युद्ध था सेवनटीन फिफ्टी नाइन नेक्स्ट डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहा पे स्थापित की थी डचों के द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री 1605 सौ पांच में मसूलीपटनम में थी नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी रैल्फ फिच नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था किस नाम से तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इसका गठन हुआ था मर्चेंट एडवेंचर्स यानी कि साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने जो है इसका गठन किया था पंद्रह में कब क्या था पंद्रह में नेक्स्ट है इकतीस दिसंबर सोलह को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया था तो एक पंद्रह सौ निन्यानवे में कंपनी बनी थी ठीक है और इकतीस दिसंबर सोलह को रॉयल चार्टर इनको दे दिया गया था कि तुम पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हो तो ये किसके द्वारा दिया गया था रानी एलिजाबैथ के द्वारा नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था देखो पहला गवर्नर पहला गवर्नर जो था ये था ब्रिटिश इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर भारत में नहीं भारत में पहला गवर्नर वो अलग है पे था, तो ये सब नहीं हो ना। Next, किस जहाज से भारत आए थे तो कैप्टन विलियम हॉकिस जो है ये 1600 सो में सूरत में पहुंचे थे किस जहाज से हेक्टर जहाज का नाम क्या था सूरत पहुंचे थे ये पहले नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी तो अंग्रेजों का जो पहला स्थायी फैक्ट्री था वो सूरत में हुआ था इसका फरमान किसने दिया था जहांगीर ने दिया था 6 फरवरी सोलह को नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा कौन था जो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के आया था जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर के कौन आए थे सर टॉमस रो जो 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था अजमेर में पहुंचा था ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलह में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की थी इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था तो सोलह में जो है पुर्तगाल के राजा की बहन थी कैथरीन उसकी शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ था जिसमें दहेज में इसने पूरा मुंबई दे दिया था नेक्स्ट है इंटरपोल्स क्या थे इंटरपोल्स क्या थे इंटरपोल एक अंधिकृत अन, व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे ठीक है इंटरपोल्स नेक्स्ट है 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज़ों के नाम सुनहरा फरमान जारी करके 500 पगोड़ा वार्षिक करके एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो व्यापार करने की अनुमति दे दी थी तो वो कौन सा शासक था अब्दुल्ला कुतुब कुतुबसा अब्दुल्ला कुतुब कुतुबसा ये गोलकुंडा के सुल्तान थे और इसने क्या किया था अंग्रोज अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान दे दिया था पाँच पगोड़ा वार्षिक एवज के बदले में कि जो है गोलकुंडा राज्य का जो बंदरगा वहाँ पर तुम स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते हो नेक्स्ट है सोलह में अंग्रेज फ्रांसिसी डे ने कहा के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद तो, में अंग्रेज फ्रांसिस डे इसने जो है मद्रास को पट्टे पे लिया था और वहाँ पे एक किलाबंद कोठी बनवाई थी तो ये किस शासक लिया था, आ, से लिया था चंद्रगिरी के राजा से लिया था चंद्रगिरी के राजा से नेक्स्ट है अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुरा बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित की थी तो अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार जो है फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी उड़ीसा के महान महानदी मुहाने पर हरिहरपुर बालासोर और पिपली में ये फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई थी तो ये कब हुआ था सोलह ईस्वी में नेक्स्ट क्वेश्चन ने, है शाहजहाँ के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालिक सूबेदार सूजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान निशान बोलते शहजादों के द्वारा जो जारी आदेश पत्र होता है ये कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को तीन हज़ार रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया गया था तो शाहजहाँ के पुत्र और बंगाल के तत्कालिक सूबेदार सूजा से ब्रिटिश कंपनियों को एक आदेश पत्र मिला था जिसमें तीन वार्षिक कर के बदले उनको व्यापार करने का विशेषाधिकार दे दिया गया था सिक्सटीन में सोलह में नेक्स्ट है किसने 1680 में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों के ऊपर चुंगी की दर दो परसेंट, से कर तीन परसेंट कर दी थी तो दो परसेंट से बढ़ाकर के साढ़े तीन परसेंट यह औरंगजेब ने किया था नेक्स्ट किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने सोलह में हुगली पे आक्रमण करके अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था तो मुगल सेना आ, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने सोलह में हुगली पे आक्रमण किया था और अंग्रेजों को वहाँ से निकाल दिया था तो ये औरंगजेब थे मतलब औरंगजेब ही थोड़ा था जो अंग्रेजों को मतलब भगाना चाहता था बाकी आपको पता है जितने भी मुगल शासक थे वो उन लोगों ने उनको पूरा अधिकार दे दिया था ठीक है तो उस तरह का मतलब अगर क्वेश्चन आए कि बाहर निकाल दिया था या डर बढ़ा दिया था ये सब ये सारा काम औरंगजेब ने किया था ठीक है तो सोलह सौ छियासी में ये किया था हुगली पे आक्रमण किया था और अंग्रेजों को वहाँ से निकाल दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों से डेढ़ लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे अंग्रेजों से डेढ़ लाख रुपया मुआवजा के तौर पर कौन वसूल करेगा औरंगजेब नेक्स्ट अंग्रेज़ों को सूतानाती कालीकता और गोविंदपुर नामक तीन गांवों की ज़मींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुग़ल सूबेदार कौन था तो अंग्रेज़ों को अजीम उसूसान अजीम उसूसान था अजीम ऊसू इसने सूतानाती कालिकता और गोविंदपुर नामक तीन गांव इनकी जमींदारी खरीदने की अनुमति दे दी थी नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने सूतानाती कालिक्था और गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी मतलब कितने रुपये में ये खरीदी थी अट्ठारह 1800 अट्ठारह सौ रुपये में खरीदी थी और किसने ये दे दिया था अजीम ऊसू ने नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश उपनिवेश बाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना है तो कलकत्ता शहर जो है पहले मतलब अभी कोलकाता बोलते हैं तो कलकत्ता शहर को किन गांवों से मिला के कलकत्ता शहर को बनाया गया था तो ये कौन कौन से गांव थे ये गांव थे सूतानाती कालिकता और गोविंदपुर नेक्स्ट है तीस सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फ़्रुख़ के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है तो 1716 में फ़र्रुख़ के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम फरमान जारी किया गया था है ना जिसमें मतलब समझो 1717, 1717 में ही पूरी तरह से इनको फरमान दे दिया गया था तो इसके द्वारा क्या हुआ था इसके द्वारा क्या हुआ था कि कंपनी को केवल तीन हज़ार रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था कलकत्ता के आसपास के गाँव को किराए पर खरीदने की अनुमति दे दी थी और बंगाल के शाही मुद्र नाले में सिक्का ढालने की भी अनुमति दे दी थी तो ऑप्शन डी राइट होगा उपरुक्त सभी इसलिए इसको जो है क्या बोलते हैं सुनहरा फरमान बोला जाता है जो फारूख सैर ने दे दिया था नेक्स्ट है किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बताया है बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैगना काटा और अंग्रेजी अंग्रेज था ये और इसने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैगना काटा बताया है किसके फरमान को फर्रुख सर के फरमान को जो इसने दे दिया था नेक्स्ट है ने निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था विलियम हॉकिस टॉमस रो पादरी एडवर्ड टैरी फिच तो जहांगीर के टाइम पे भारत कौन नहीं आया था फिच रॉल्फिच फिच जो था ये अकबर के शासनकाल में भारत आया था पंद्रह में ठीक है नेक्स्ट है सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है अंग्रेज़ यात्री हैं और मुगल बादशाह मतलब ये अंग्रेज यात्री किस शासक के टाइम पे आए थे वो हमें मैच करना है तो जॉन मिल्डन हॉल ये अकबर के शासनकाल में भारत आया था विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में और जॉन सर मैन जो है ये फर्रुख सीयर के शासनकाल में भारत आया था ए का वन बी का टू सी का थ्री ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट है बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा था ये एक कुस्त या नीच झगड़ालू लोगों और बेमान व्यापारियों की कंपनी है मतलब बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में कहा था कि एक नीच है झगड़ालू लोग हैं बेमान हैं इनको कहा था ये किसने कहा था ये साइस्ता खान के द्वारा कहा गया था ये औरंगजेब के मामा थे साइस्ता खान इन्होंने ही अंग्रेजी कंपनी को क्या कहा था नीच कहा था झगड़ालू लोग कहा था बेमान कंपनी कहा था ठीक है नेक्स्ट है सूची वन को सूची टू से सुमिलित करना है फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम जो है

बलिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पर्दुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया मार्टिन ने पर्दुचेरी का विकास किसके रूप में किया तो देखो ये पुडुचेरी के बारे में है कि आ, फ्रांसिस मार्टिन ये था फ्रांसिस मार्टिन जिसने बीजापुर का सुल्तान था सिकंदर आदिल शाह इसके अधीनस्थ बलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार थे मतलब बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह इसके अधीन एक वालीपुरम जगह का मुस्लिम सूबेदार था शेर खान लोधी इससे पर्दुचेरी नाम का एक छोटा सा गांव था जिसको लिया था तो ये फ्रांसिस मार्टिन ने फ्रांसिस मार्टिन ने पर्दुचेरी का विकास किस रूप में किया पांडिचेरी के रूप में पांडिचेरी नेक्स्ट है फ्रांसिसियो को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी फ्रांसिसियो को चंद्रनगर जो बस्ती है साइस्ता खान ने भेंट की थी सोलह में नेक्स्ट है मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी नवाब की जो पदवी है ये ढूपले को दिया था नेक्स्ट डुपले के संबंध में कौन सा कथन सही है डुपले के बारे में कौन सा कथन सही है डुपले वो पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी थी उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने ऑप्शन डी राइट होगा डुपले के बारे में सारे कथन यहाँ पे सही है नेक्स्ट है पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुपले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था तो पांडिचेरी का गवर्नर जनरल भी डुपले बना था तो डुपले पांडिचेरी का गवर्नर बनने से पहले कहाँ का गवर्नर जनरल था तो ये चंद्रनगर का गवर्नर जनरल था सत्रह में बना था और सत्रह में इसको फिर पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनाया गया नेक्स्ट है डुपले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना डुपले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल गोडेहू गोडेहू था उसको बनाया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदता अंग्रेजों फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन उपयुक्त सभी तो देखो ये सॉरी फ्रांसीसियों के पतन का जो कारण था ये सभी था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता ठीक है भारत के बाहर अंग्रेजों के व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव था इनको फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन ठीक है तो ये सारे ही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई कौन सा युद्ध था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे तो इसका आंसर हो जाएगा वान्डीवास का युद्ध वान्डी का युद्ध हुआ था सत्रह सौ साठ में काफ़ी फेमस युद्ध था ये इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि मतलब घुमा के कभी कुछ कभी कुछ लेकिन इससे कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनता है या तो कभी पूछेगा वाणीवास का युद्ध कब हुआ था या किसके बीच हुआ था ठीक है तो ये वो सबसे निर्णायक युद्ध था वाणीवास का युद्ध जिसमें फ्रांसीसी को बुरी तरीके से हराया था अंग्रेजों ने ऑप्शन ए राइट right होगा नेक्स्ट है कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था प्रथम कर्नाटक युद्ध द्वितीय तृतीय इनमें से कोई भी नहीं तो यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार इसमें से कौन सा नहीं था विस्तार नहीं था तो दूसरा जो दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था सत्रह से अंठावन में फिर तो इसके बाद भी विस्तार हुआ फिर से एक साल बाद फिर से लड़ाई हुआ सत्रह से सत्रह में यहाँ पे एक युद्ध का विस्तार नहीं था तो चौवन के बाद ये विस्तार नहीं हुआ ये रुक गया था ठीक है ये रुक गया था चार सालों के लिए फिर चार साल बाद सत्रह से सत्रह में तृर्तीय आंग्ल जो है युद्ध हुआ था कर्नाटक युद्ध ठीक है तो इसमें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार कौन सा युद्ध नहीं बना दूसरा नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी तो मैंने बताया था ए पापे पहला जो कर्नाटक युद्ध था सत्रह से अड़तालीस इसकी समाप्ति हुई थी एला सापे की संधि से दूसरा है गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि सत्रह में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था तो पांडिचेरी की संधि से दूसरा जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था यह समाप्त हुआ था और तीसरे कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वाडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था वाणीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था जिसमें अंग्रेजों का जो नेतृत्व था ये कौन कर रहे थे सर आयर कूट कर रहे थे और फ्रांसीसियों का लाली कर रहे थे ठीक है नेक्स्ट है कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था तो पेरिस के संधि से नेक्स्ट है फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था फ्रांस की सरकार ने भारत स्थित जो फ्रांसीसी बस्तियाँ थी इसका अधिकार भारत सरकार को कब सौंपा था तो ये उन्नीस में सौंप दिया था नेक्स्ट है इतिहासकार है मैकाले इनके अनुसार वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है तो जो पहला व्यक्ति मैकाले इतिहासकार है इनके अनुसार man, no. वो पहला व्यक्ति कौन था, था जिसने अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडर पर एक यूरोपीय साम्राज्य को बसाया जा सकता है तो ये था डुपले है न कौन था डोबले नेक्स्ट है निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया तो इसको कालानुक्रम में बताना है ठीक है अंग्रेज आए डच आए फ्रांसी पुर्तगाली कौन कब आया इसको हमें बताना है ठीक है तो पुर्तगाली सबसे पहले पुर्तगाली आए थे है ना सबसे पहले भारत में कौन आया था पुर्तगाली आया था उसके बाद आए थे डच फिर अंग्रेज और फिर आया था फ्रांसीसी ठीक है तो चार दो एक और तीन हो जाएगा इसका आंसर ठीक है समय समय पर प्रवेश किया था तो ऑप्शन भी यहाँ पे राइट है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे फिर यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चार दो एक तीन ठीक है चार दो एक तीन पहले पुर्तगाली आए फिर आए डच फिर आए अंग्रेज और लास्ट में फ्रांसीसी ठीक है और देखो इसका आंसर एक्चुअली आपको कमेंट में बताना है अभी तक मैंने वीडियो में इतना मतलब इतने सारे क्वेश्चन कराएं आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में नीचे बताना है कि कौन जो है डेट के साथ बताना है कि पुर्तगाली मैंने तो ये बता दिया कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे फिर डच आए थे फिर अंग्रेज आए और उसके बाद आए फ्रांसीसी ठीक है तो आपको ये बताना है कि मतलब इनका वर्ष बताना ईयर बताना है कौन कौन किस वर्ष आए थे ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रही हूँ प्लीज़ आप लोग कमेंट करना ठीक है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग कमेंट करो नहीं भी पढ़ा है तो इसको सर्च करोगे तो आपको अच्छा लग, लगे आइडिया लगेगा और फिर आपको मतलब याद रहेगा नेक्स्ट है निम्नलिखित यूरोपियो में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे तो सबसे जो अंत में आया था मैंने क्या बताया फ्रांसीसी आया था सबसे अंत में नेक्स्ट है भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी देखो स्थापना की बात हो रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी उस समय जो है भारत में बादशाह कौन था तो वो अकबर था मतलब ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना पंद्रह में हो गई थी और इस समय अकबर का शासनकाल था है ना पाँच तक अकबर थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सत्रहवीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए कौन सा कारण था यूरोपीय कंपनी का जो सफलता रहा इसका कारण क्या क्या था दक्षिण भारत में तो दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे ठीक है विजयनगर राज्य सोलहवीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे तो इन्हें हमें सह, सही कोट हमें बताना है तो ऑप्शन ए राइट होगा पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है कि दक्षिण में जो यूरोपीय कंपनी की सफलता थी इसका कारण ये था कि दक्षिण में मुगल ज़्यादा नहीं थे उतनी तादाद में जितना उत्तर में ये लोग रह, रह रहे थे उतना साउथ में नहीं रह रहे थे और विजयनगर राज्य जो था सोल्हवीं शताब्दी के अंत में ही ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे भी कोई अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग कुछ ये नहीं था फिर दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर छोटे छोटे राज्य थे जिनको ये लोग बेवकूफ़ भी बना के ले लेते थे और हरा भी देते थे लड़ाइयों में ठीक है तो ये सारा कारण था जिसकी वजह से दक्षिण भारत में यूरोपीय कंपनी ने आराम से सफलता हासिल किया था नेक्स्ट है पंद्रह अगस्त उन्नीस के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था तो आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन जो बना रहा था वो गोवा था गोवा एक्चुअली गोवा दमनदीव तीनों और मैंने बताया था कि 1961 में भारत सरकार ने इसको फिर विलय किया था नेक्स्ट है पांडिचेरी जो वर्तमान पुडुचेरी है इसके संदर्भ में कथन दिए गए हैं उसमें कौन सा कथन सही है हमें वो बताना है तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी तो ये बिल्कुल सही है पांडिचेरी पर सबसे पहले फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी ये गलत है दूसरे डच थे तीसरा है अंग्रेजों ने कभी भी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया ये कथन गलत है अंग्रेजों ने पांडिचेरी पे सत्रह सौ तिरानवे ईस्वी में कब्जा किया था तो इसमें सही कथन सिर्फ पहला कथन है ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा केवल वन ठीक है नेक्स्ट लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में बादशाह कौन था तो लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय अकबर का शासनकाल था मैंने बताया ये क्वेश्चन पंद्रह सौ निन्यानवे में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था लंदन में और उस समय अकबर का शासनकाल था सोलह तक अकबर का शासनकाल था नेक्स्ट है वाणीवास का युद्ध सत्रह में आ, हुआ था तो ये तो हमें पता है फ्रेंच और ब्रिटिशों के बीच हुआ था जिसमें ब्रिटिशों ने सॉरी ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया था ब्रिटिशों ने क्या किया था फ्रेंच को हरा दिया था जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व सरायकूट कर रहे थे और फ्रांस का लाली कर रहे थे नेक्स्ट है मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है मद्रास में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिवास का स्थान था इसको किस नाम से जानते हैं इसको फोर्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जानते हैं सो so, गाइज uh, हमने यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मतलब बन सकते थे या एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे मैंने इसमें रखे थे और मैंने सबको बता दिया है तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करो है ना मतलब सपोर्ट करो चैनल को और और क्या मतलब लाइक like करो शेयर करो सपोर्ट करो चैनल को चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर, कर लीजिए और कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है एंड अगर कुछ डाउट है या मतलब कुछ भी पूछना है आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं मैं इसका प्ले जल्दी बना दूंगी और फिर आप लोग प्ले से मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी वीडियोज़ आते जाएंगे वो सारे देखते रहना ओके okay? सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर